हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नाजीज किचन। आज मैं बनाने वाली हूँ ड्राई मसाला भरवा बैंगन। ये रेसिपी बनाना बहुत ही आसान है और ये बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होती है। इसके लिए हम लेंगे पैन में 1 टीस्पून ऑयल, मीडियम फ्लेम पर 50 ग्राम फल्ली, 50 ग्राम चने की दाल डालकर हल्का सा भूने, पचास ग्राम उड़द दाल, कलर चेंज होने तक भुने, 2 टेबलस्पून करी पत्ते, 4 लहसुन, इनको भी डालकर हल्का सा भून ले। आप देख सकते हैं इसका कलर चेंज हो चुका है। अब फ्लेम बंद कर दे, इसे ठंडा होने के लिए साइड में रख दे। जार में तमाम भुनी हुई चीजों को डाल लें। पानी का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें और इसे सूखा पीस लें। मिक्सिंग बाउल में पिसे हुए मसालों को डालकर पाव टीस्पून हल्दी, 2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून, 1 टीस्पून, 1 टीस्पून नमक, आप अपने हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं, डालकर अच्छे से मिक्स करें। आधा किलो लंबा बैंगन, इसे इस तरीके से काट लें। अब इसमें सूखे मसालों की स्टफिंग करें। इसी तरह सारे बैंगन को स्टफ कर लें। यहां पर जो लेफ्ट ओवर मसाला है, इसे आप कंटेनर में डालकर फ्रिज में 15 दिनों के लिए स्टोर कर सकते हैं। पैन में 3 टेबलस्पून ऑयल लें। ऑयल गरम होने के बाद मीडियम टू लो फ्लेम पर बैंगन को डाल दें। अब इसे धीमी आंच पर 4 मिनट के लिए फ्राई होने दें। 4 मिनट हो चुके हैं, बैंगन को दूसरी साइड फ्लिप करें। प्लेट में जो बचा हुआ मसाला है उसे ऊपर से डाल दें और 4 मिनट के लिए ढककर पकाएं। चार मिनट हो चुके हैं, आप देख सकते हैं बैंगन अच्छे से कुक हो गए हैं। अब फ्लेम बंद कर दें। चलिए डिश आउट करते हैं। इसे आप दाल चावल या फिर रोटी के साथ ले सकते हैं। थोड़ा सा हरा धनिया डालें। हमारे टेस्टी और मसालेदार भरवा बैंगन खाने के लिए रेडी है। अगर आपको मेरी रेसिपीज अच्छी लगे तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन हिट करना बिल्कुल ना भूलें।